सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया को शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस छोड़ विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा की शिवराज सरकार बनाने में भागीदार बने गिरिराज दंडोतिया अब मंत्री बनकर भाजपा में सिंधिया का मान बढ़ाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया और इसी के साथ प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व भी साफ दिखाई देने लगा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनाने का पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही जाता है, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी इसका असर साफ साफ दिखाई दिया। सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया को भी मंत्री पद से नवाजा गया और उन्होंने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। मैं गिरिराज दंडोतिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और सुप्त अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज दंडोतिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के समय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज दंडोतिया सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। 2008 में अपना पहला चुनाव हारने के बाद दंडोतिया 2018 में चुनावों में उसी भाजपा उम्मीदवार को 18,477 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय सिंधिया को दिया था। इसी का नतीजा था कि उन्होंने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।